इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम सबसे पहले उन भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस प्रांगण में आके ये बैठने का कष्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा से इसकी शोभा बढ़ाए। हमारी बैठी सबसे कर्मठ मात शक्तियां ही सबसे अपने संघर्ष में रखती है, कम से कम जब से बैठ जाती है ये एहसास दिला देती है कि तुम बहुत पीछे हो, मर्दों के एहसास दिला देती है कि तुम बहुत पीछे हो। तो सर्वप्रथम कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता अभी की एकराई है, अभी की एकराई है। अरे खुद सभा होश में आओ, अरे खुद सभा होश में आओ, अरे खुद सभा होश में आओ। नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं डरेंगे हुड़की से। ये हुड़की तो खैर चलती रही है, अरे हम पर तो थोड़ा दो लाइन लिखने लाया हूँ। जो हमारे बहुत सारे लीडरशिप थे, हमारे जो घर घूम छोड़ के भागे भाइयों हैं, उनके लिए जो पंजराम पहले कर मतलबी निकले आठ घंटे बाद, जिसे मैं देर से जान पाया। मतलबी निकले आठ घंटे बाद, जिसे मैं देर से जान पाया। कमजोरी थी मेरी, सभी को अपना कहता चला गया। एक बार फिर ताली बजाएं धोखेबाजों के लिए, बताइए कि हमारी तरफ से कम से कम उनके स्वागत की लाजिए कि आपने रणभूम छोड़ करके कटाई करके भागे हैं। तालियां जोरदार हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। तो मैं करूंगी आगे हमारे आप आगे भाई, तो करूंगी बहुत भागते हुए आए मैं कटाई का। बोले एक लोग वहां खड़े हुए, मैं नारा बोलना चाहता हूँ, मेरा क्या बोले भाई खड़े हुए जो कहते भाई यार नमस्कार। ये यहाँ खड़े हुए तो मैं यार उस समय बात से आई थी, शायद राजकुमारी जी बोल रहे जो मैं काम का लगता हूँ कि काम करना तब तक वो कैसे आपकी तालियां मुझे तो प्रोत्साहित कर देती है कि कहने को मैं दूर हो जाता हूँ, फिर एक नहीं करता हूँ गद्दारों को, क्योंकि उनको जानना बहुत जरूरी है। अपने में अपने जो असली साथ होता है उसे व्यवस्था करना चाहिए। विश्वास की डोर धोखे से तोड़ जाते हैं, विश्वास की डोर एक धोखे से तोड़ जाते हैं। मतलब ये लोग की फितरत है कि अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। इसी क्रम में कुछ पंक्तियां है, अगर आपको उनको समझ में आए, क्योंकि संघर्ष की ही पंक्तियां हैं। मैं भी पंक्तियां यहाँ उन्हें करता हूँ, हमारे संघर्ष भाइयों के पक्ष में बोलता हूँ, डालो क्योंकि मुझे लिखे देना या तो नहीं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लिखे पढ़े जरूर है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लिखे पढ़े जरूर है। कहते हैं चल उठे कदम न थकने दे, चल उठे न थकने दे, बस मंजिल थोड़ी दूर है। एक एक शब्द में संघर्ष ही है, आप लोग समझिए इसको। चल उठे कदम न थकने दे, बस मंजिल थोड़ी दूर है, हर हौसला बुलंद तुझसे शक्ति भरपूर है। चल थोड़ी दूर, चल ले थोड़ी और, नहीं तो मंजिल होगी दूर। चल उठ कदम न थकने दे, बस मंजिल है थोड़ी दूर। क्या तू भूल गया वो सारी, क्या तू भूल गया वो सारी बातें, ये सुनने को मजबूर, तेरे घायल पक्षी की उड़ लेते हैं कोसों दूर। घायल पक्षी भी अगर घायल हो जाता है तो काफी दूर तक उड़ते चला जाता है, इसके अंदर हौसला होता है, क्योंकि मुझे यहाँ लक्ष्य पे पहुंचना है। क्या तू भूल गया वो सारी मंजिल, क्या भूल गया तू वो सारी बातें, जिसे सुनकर मजबूर, हे घायल पक्षी भी उड़ लेते हैं कोसों दूर। नदिया तू नदिया भी मुझे टक्कर देकर कर देती पत्थरों को चूर चूर, तेरे तो सहयोग से लोग खड़े हैं यूं ही उनसे दूर।
सर उठाकर दंड करने दे, बस है मंदिर छोड़ी तुम्हें, बस है मंदिर छोड़। आप लोग संघर्ष करते जाइएगा, ये संघर्ष बहुत दूर नहीं है, एक न एक दिन आपके कर्मों की होगी। इसी क्रम में मैं सभी भाइयों को हमेशा यही कहता आया हूँ कि आज अपने सभी भाइयों को मिला करके अब यहाँ कोई विश्वासघात करेगा नहीं, कि जो विश्वासघात थे वो दिल्ली के हैं और सबको पता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा हक क्या है। हमारे घर भ्रष्टाचार सभी लोग आज किस्मती है, देखिए भाई हम लोगों का थोड़ा दुर्भाग्य है कि 30 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं और ये बहुत बड़ा विकार भी बन रहा है। आप हिम्मत मत हारिए, जीत निश्चित है, लेकिन बस यही है कि आप हौसला बना रखिए। ठंड तो निकल गई है, बट ठंड दो चार दिन की और है, बस दो चार दिन ठंड है, ठंड निकल गई और ये ठंड निकलते हुए कामयाबी होने वाले हैं।